सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने आईफोन 6s में ये जो ओसिन वॉलपेपर है इसको कैसे डाउनलोड करें और इसको कैसे इस्तेमाल करें। अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास आईफोन 6s है और मैं इसमें ये वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सारे वॉलपेपर्स आ चुके हैं लेकिन फिर भी मुझे आज भी यही वॉलपेपर ज़्यादा अच्छा लगता है। सो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आईफोन 6s से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। सो गाइज, ये वॉलपेपर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जबकि iOS 14 की बात करें, iOS 13 की बात करें, वहाँ पर हमको बहुत सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये कोई भी वॉलपेपर्स लोगों को पसंद नहीं आते। बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता है, मैं भी ये यूज़ करता हूँ, लेकिन उसकी बात ही अलग है, क्योंकि वो जो वॉलपेपर है वो आया था उसमें जब iOS 9 आया था, iOS 9 या फिर 10 पे आया था वो वॉलपेपर, लेकिन ये iOS 13 पे आया, कोई 13 पे आया, कोई 14 पे आया, तो ये सारे वॉलपेपर्स बहुत हैं। जबकि कुछ अपडेट के बाद ये सारे वॉलपेपर्स और आए हैं, लेकिन ये जो है एंजॉय नहीं कर पा रहे लोग। और ये जो वॉलपेपर है काफ़ी अच्छा लगता है, कूल और पुरानी वाली फील देता है गाइज। और इसमें एक ख़ास बात मैं बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पे अगर मैं जब देखिए, अभी ये नॉर्मल मोड में, अभी मैं इसको यहाँ पे अगर डार्क मोड पे यहाँ पे अनेबल कर देता हूँ तो इसका जो कलर है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है, बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर लगा है उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, बल्कि जो आइकॉन्स हैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, जो भी ये ऐप्स वगैरह हैं, ये जो है डार्क मोड में चले जाते हैं। मेरा ये वॉलपेपर है वो जो है जैसा है वैसे ही रहता है। इस ऐप, ये जो ऐप्स हैं इनकी डार्क मोड की वजह से ही ये बैकग्राउंड में ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना चाहिए ये मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दूँ, आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी मेरे आईफोन की तरफ से कोई वॉलपेपर नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे स्टिल्स में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये वॉलपेपर नहीं है, ठीक है गाइज। और यहाँ पे अगर हम बात करें लाइव में तो यहाँ पे ये तीन ही वॉलपेपर हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें डायनामिक की तो यहाँ पर भी ये वॉलपेपर हैं। अब जो मैंने लगा रखा है वो वॉलपेपर यहाँ पर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब जो है ऐप्स, ये वॉलपेपर रिमूव कर दिए गए थे बहुत पहले ही आईफोन 6s से, और ये अब नहीं है। ये मैंने गाइज गूगल से डाउनलोड किया था, और इसकी मैं फ़ोटो आप लोगों को भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गैलरी में इसकी फ़ोटो सेव कर रखी है, जिस वजह से मैं इसको जो है यूज़ कर पाता हूँ। अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है गाइस तो आप मेरे से इसको ले सकते हो, और चाहो तो आप जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये मैंने गाइस 12 अगस्त 2020 को डाउनलोड किया था अपने आईफोन 6s में ही, और इसी को मैं वॉलपेपर में लगा लेता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आप कहाँ से यूज़ करते हो, तो यहाँ मैंने, मेरे फ़ोन में तो है नहीं, मैंने इसको गूगल से ही डाउनलोड किया था और उसको इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिए, जिसको जिसको चाहिए मैं वहाँ पे आपको जो है इसको सेंड कर दूँगा। मेरी इंस्टा यूज़र आईडी है DPK397, और ये वॉलपेपर का फील ही अलग है गाइस। आईफोन 6s में ही आया था और आज भी बहुत अच्छा लगता है, आप इसको इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी अच्छा फील देता है ये वॉलपेपर। जबकि iOS 14 और iOS 13 में बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स हैं, लेकिन इसकी बात ही अलग है गाइस। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि फट जाता हो स्क्रीन, मतलब बेकार दिख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग देख सकते हो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, मैंने अच्छे से इसको डाउनलोड किया था, तो काफ़ी लोगों को ये चाहिए था, मैंने शेयर कर दिया था। आपको अगर चाहिए तो आप मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर मैं आप लोगों को जो है भेज दूँगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आईफोन 6 से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में।